अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कैश माल में जो सबसे पहले तो डिपॉजिट करने का मेथड बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इसमें जो जायज़ कैश, इजी पैसा और जो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए इसमें आपने डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले तो हम इजी पैसे से या जायज़ कैश से इसमें हम डिपॉजिट करते हैं। तो इधर आपने पी के आर इधर सेलेक्ट कर लेना, पी के आर ठीक है। और इधर आप लोगों ने लिख लेना है कितनी अमाउंट आप लोग इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं और नेक्स्ट के बटन पर सिंपल क्लिक कर देना है। और इधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को मेथड बता देंगे कि इस तरह आप लोगों ने सेंड करना सिंपल, जैसे आप लोग किसी दूसरे फ्रेंड को या किसी को भी आप लोग अपने जायज़ कैश से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे आप लोगों ने सिंपल ही मनी ट्रांसफ़र करनी है। आप लोगों ने सिंपल जो है *786# डायल करना है, ठीक है। उसके बाद सेंड मनी वाले बटन पर यानी कि सेलेक्ट सेंड मनी करना है। उसके बाद टू बैंक और सेलेक्ट बैंक करना है, सेलेक्ट मेज़ान बैंक। ये इनके स्टेप जो हैं सारे आप लोगों ने केयरफुली फॉलो कर लेने हैं। और ये इनका आगे बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये आप लोगों ने केयरफुली देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है, मैं इधर 400 कर रहा हूँ, इधर आप लोग जितनी चाहें उतनी अमाउंट आप लोगों ने इधर सेंड करनी है। और रेफरेंस नंबर है इनका, ये रेफरेंस नंबर आप लोगों को देना लाजमी है। और जो जायज़ कैश की पिन है वो आप लोगों ने बाद में जो आपका जायज़ कैश अकाउंट की पिन है वो करने के बाद जो मैसेज रिसीव होगा आपको आपके मोबाइल में और इंटर TID यानी कि वो जो TID वाला मैसेज आपको रिसीव होगा वो आप लोगों ने जो है सिंपली इधर लिख देना है। ये भी आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है, ये जो है ये पेज दोबारा शो नहीं होगा। अगर आप लोग एक दफ़ा TID अपने कलर टाइप कर देंगे और आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं आएंगे, तो ये आप लोगों ने जो है 2-3 दफ़ा कन्फर्म कर लेनी है कि आप लोगों की जो TID है वो सही हो यानी कि राइट लिखी हो, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो है कैश माल के अंदर जितना भी आप लोगों ने डिपॉजिट किया होगा वो उसी टाइम आपके कैश माल अकाउंट में जो है डिपॉजिट हो चुका होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, ठीक है। PKR 400 एडिट टू योर अकाउंट, ठीक है, एडिट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है अपना जो 400 है वो इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है, कोई फीस नहीं लगी। तो उसके बाद देख सकते हैं हम लोगों ने जो अभी इधर मैनेज फंड पे जाना और जो विड्रा करना है इधर, तो विड्रा करेंगे तो परफेक्ट मनी अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग जिसमें भी चाहें इसमें विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। इधर आप लोगों ने अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट आप लोगों ने इधर आप लोग अपने परफेक्ट मनी अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इधर जो ईमेल लिखा आ रहा है इसको आप लोगों ने इधर से डिलीट कर देना है। और इधर अमाउंट लिखनी है आपने 400 अमाउंट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन, एक ट्रांजैक्शन पिन बनती है कैश माल अकाउंट बनाते हुए। तो फ्रेंड अगर तो आप लोगों को कैश माल और परफेक्ट मनी का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप लोग जो है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने 2021 में जो है कैश माल और परफेक्ट मनी का अकाउंट बनाना है और आपस में उनका लिंक करना है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं माय अकाउंट, ठीक है, USD इस टाइम 0 USD है, ये अपना अकाउंट नंबर है। ये इधर से आप देख सकते हैं जो अकाउंट नंबर इधर ऊपर आया वासद अली नेम है, ठीक है। उसके आगे अकाउंट नंबर है 2.4 USD हमें मिल रही है 400 रुपीज़ की। ये हम बाद में देखेंगे कि कितना एक्सचेंज रेट लगा और कितनी इन्होंने फीस अपनी काटी है, ठीक है। और कन्फर्म रिक्वेस्ट पर हमने क्लिक करना है, तो जैसे कन्फर्म वो एक मिनट एरर पिन कोड जो है वैलिड नॉट वैलिड, ठीक है। मेरे ख्याल से जो पिन थी वो ट्रांजैक्शन पिन गलत लिखी गई है, ठीक है। इधर आप लोगों ने दोबारा जो है विड्रॉ करना 400 और उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन जो है अपनी वो तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखनी है। आप लोग देख सकते हैं ज़रा सी भी गलती हो तो उसी टाइम जो है अपनी ट्रांजेक्शन रुक जाएगी उधर, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म रिक्वेस्ट ओके, ठीक है। देखिए विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है अपनी और आप लोग तो होम में जाके देख सकते हैं 400 प्लस हुए थे और -400, ठीक है, पेंडिंग में है। रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल आप देख सकते हैं ये भी तकरीबन 5 से 10 सेकंड में जो अपना कैश माल से परफेक्ट मनी में जो है पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये देखिए 2.4 USD अपने परफेक्ट मनी अकाउंट में आ चुकी है। तो अब हम चेक करते हैं कि 2.4 USD, ठीक है, हमें कितने में मिली और कितनी इन्होंने फीस काटी है। तो USD टू PKR हम इधर सर्च करेंगे तो 1 USD है 154 का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं 400 हमने डिपॉजिट किए और हमें 2.4 USD मिले हैं। तो मेरे इन्होंने तकरीबन फ़ीस काटी है सिर्फ 3100 रुपये फ़ीस इन्होंने काटी है अपनी, तो ठीक है। एक्सचेंज रेट मेरे ख्याल से 167 का इन्होंने एक्सचेंज रेट लगाया,
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।